हर कदम पे क्यों खड़ी है दर्द बन के मुश्किलें लम्हा लम्हा दिल के अरमान रो रहे हैं दिख रही है ना कोई मंजिलें अपनी हैसियत भूल गई बेबी खयाम ने अगर आपको सर पे बिठा रखा है तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप हम सब पे हुक्म चलाती फिरें वो मेरी बहू है मुझे पता है उसे कैसे रखना है आप जाएं चलो ओके मैं मेल करूंगा चेक कर लेना ओके बाय बालो बालो जी सर देखो क्या हुआ इन्हें गए बेटा जी मैं तो कब का आ चुका हूँ और हैरान हो रहा हूँ कि मेरे कमरे में बैठ के मेरा इंतजार करने वाली दीदी आज कहाँ गायब है बस बेटा सर में जरा दर्द था इसलिए आकर लेट गई मैंने तो हमेशा से यही देखा सर में दर्द हो या बुखार आप मुझसे मिले बगैर अपने कमरे में नहीं जाते बस बेटा तबीयत कुछ सुस्त सी थी आकर लेटी तो आंख लग गई वक्त का पता ही नहीं चला बात क्या हुई है ये बताएं बेटा बस सबीन की वजह से दिल कुछ उदास सा है जी ये सबीन को हुआ क्या है काफी बीमार लग रही थी अभी मामा के कमरे से निकली है बेहोश होकर गिर पड़ी अच्छा तो मुनीरा अब भी बास नहीं आई से काम करवाते उसका काम करते उस बिचारी का हाथ कटा और फिर जला भी ये मामा सबीन से काम करवाती है हाँ जब से खुर्रम गया है मुनीरा ने तो उसे अपने खादमा ही समझ लिया है उसका हाथ कटा तो उसकी मरहम पट्टी भी उसने नहीं करवाई वो भी मैंने खुद की और ये मेहरीन मेहरीन कहाँ होती है सारा दिन मेहरीन क्यों करेगी अपनी माँ के काम उल्टा वो सबीन से अपने काम करवाती है भी आप तो सारा दिन घर में होती हैं आप इन पर सख्ती क्यों नहीं करती बेटा मैं कुछ कहती हूँ तो तुम्हारी अम्मा कहती हैं कि आपकी कोई हैसियत नहीं आप कुछ मत कहें वो मेरी बहू है मैं कुछ भी करूं मैं तो खुद मजबूर हो गई हूँ बेटा बड़ा तरस आता है मुझे उस बच्ची पर मासूम आकर परेशान हो गई इस घर में एक तो मियाँ बाहर ऊपर से ये सख्ती है तुमने खाना खाया जी खाना मैं खा चुका हूँ आपको कुछ चाहिए तो नहीं अल्लाह तुम्हें खुश रखे देखो इस बात को इतना सीरियसली मत लो राबिया बच्चियों के रिश्ते तो आते रहते हैं इसका यह मतलब तो नहीं होता कि हर रिश्ता कबूल कर लिया जाए और हर रिश्ता जो आता है वो पहला और आखिरी नहीं होता मैं समझती हूँ लेकिन मलीहा को कौन समझाए तुम समझाओगे शायबी तो तुम्हें ने दिया है इसका इल्जाम भी आप मुझ पर ही लगाएं पता नहीं आजकल तो हर मामलात में मैं ही कसूरवार नजर आती हूँ आपको कसूरवार दिखती नहीं हो कसूरवार हो तुम अहमद अली अब आप ज्यादती कर रहे हैं मुझे एक बात बताओ रिश्ता आता ही बच्चियों को शॉपिंग कराने कौन ले जाता प्लानिंग कौन शुरू कर देता उनकी उम्मीदें तुम खुद ही बढ़ाती हो खुर्रम के वक्त तो मुनीरा इकरार करके गई थी तभी मैं बच्चियों को ले गई थी शॉपिंग पे मुझे क्या पता था मलिया के बजाय वो सबीन को अपनी बहू बना लेगी ओहो ये अपनी फजूल बकवास बंद करो मुझे नींद आ रही है और सर में दर्द हो रहा है
लाइट बंद करके चली जाओ यहाँ से। इनकी चहेती बेटी के बारे में मैं कुछ ना कहूँ। अच्छा अब आंसू पोछो और मुझे मुस्कुरा के रुखसत करो ताकि जब मैं वहां जाऊं तो तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा मेरे सामने आए और मैं खुश हो जाऊं, ना आगे तुम्हारी उदास शक्ल देख के मैं भी उदास हो जाऊं। अब तो एक हफ्ता गुजर गया, आपने मुझे फोन तक नहीं किया, अपने पहुंचने की इत्तला तक ना दी। मैं कैसे रब्ता करूँ आपसे, मेरे पास तो आपका नंबर तक नहीं। और मम्मी से मांगने की हिम्मत नहीं, वो तो पहले खफा रहने लगी है मुझसे। पता नहीं क्यों आपके जाते ही उनका रवैया बदल गया मुझसे। खुर्रम, आप मुझे बहुत याद आ रहे हैं, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम तुम इस तरह लापरवाही कैसे कर सकती हो? तो अल्लाह का शुक्र है अहमद उस लड़के को पहचानते थे, वरना तुम तो शादी की तारीख लेने आ गई थी। मुझे एहसास है राबिया, पता नहीं मुझे क्या हो गया था अब की बार, शायद मैं उन लोगों की ना चिकनी चपड़ी बातों में आ गई थी। ना सर, तुम्हारे काम में ना खुशामद और चापलूसी की गुंजाइश ही नहीं है। अगर इसी तरह तुम किसी की चिकनी चपड़ी बातों में आ गई ना तो दो लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। तुम्हें तो खरे और खोटे की पहचान होनी चाहिए ना बदतमीज लड़का घटिया। अरे मैं तो उनको खूब सुनाकर आ रही हूँ, जब तुम्हारा फोन आया था ना तब मैं फौरन ही पहुंच गई थी उनके घर। अच्छा खैर जो भी हुआ सो हुआ, आइंदा तुम ना ख्याल रखना, जरा किसी लड़की वाले के पास रिश्ता लेकर जाओ तो कम अज कम लड़के और लड़के वालों का पता तो होना चाहिए ना तुम्हें। अब तो मुझे सबक मिल गया है। अच्छा चाय नहीं पिलाओगी क्या तू राबिया? कब तक नाराज रहोगी मुझसे? तुम फिकर मत करो, अब की बार ना मैं खूब छान भटक के ना अपनी मलिहा के लिए खूब अच्छा सा रिश्ता लेकर आऊंगी, तुम परेशान ना हो। बनाती हूँ चाय। बानो, बानो। जी बेगम साहिबा। ये सबीन अभी तक किचन में क्या? नहीं तो। मैं नमाज पढ़ के आ गई, वो अभी तक नहीं आई। उनकी तो बहुत तबीयत खराब है। जरा सा बुखार ही तो हुआ है, कोई फालिज का अटैक तो नहीं हुआ कि बिस्तर पे पड़ गई? आओ बेटा आओ, बैठो, खड़े क्यों हो? बानो जी तुम जाओ सारे काम छोड़ो और खयाम का नाश्ता बनाओ। आप मेरे नाश्ते की फिक्र नहीं करें तो बेहतर है, अपनी फिक्र कीजिए और बुला लें उस मुफ्ती काम वाली को जो आपका बेटा आपकी खिदमत के लिए छोड़कर चला गया। नहीं नहीं बेटा, वो मुलाजमा तो नहीं है इस घर की, बहू है इस घर की और बहू का फर्ज होता है कि वो अपनी सास की खिदमत करे। खिदमत करे? काम वाली तो नहीं बन सकती ना, नौकरानी बन के रह गई वो इस घर में। बीमार है, बुखार है, हाथ कट गया उसका, लेकिन आपको इतना नहीं हुआ कि उसकी हाथ की कोई पट्टी करवा दें, कोई इलाज करवा लें उसका, अपनी फिक्र ही रही आपको। हाँ वो दवा तो दे दी थी बानो ने, और अब तक तो बुखार उतर गया होगा उसका। तो जाकर देखें फिर उसका बुखार उतरा है कि नहीं, अगर उतर गया तो ठीक, वरना उसको डॉक्टर के लेकर जाएं, इलाज करवाएं उसका। अच्छा अच्छा तुम नाश्ता तो करो, ये लो। कर लूंगा नाश्ता। याद रखना तुम्हारा ताल्लुक पहले मुझसे और फिर किसी और से। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो खुर्रम नाराज हो जाएगा। भूल गई क्या कह के गया तुम? नहीं मम्मी मुझे याद है, एक मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको नाराज ना करूँ, सुबह मेरी हिम्मत ही नहीं थी उठने की। बस बस ये चोचले बंद करो, मेरे नजदीक ये मामूली सा बुखार कोई बीमारी नहीं है।
और जिन्हें तुम चोचले दिखा रही हो ना, उन्हीं का कलेजा फट रहा है तुम्हारे लिए। खयाम के सामने बेहोशी का ड्रामा कर रही हो उसकी हिमायत हासिल करने के लिए, मैं सब समझती हूँ। नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मेरे यकीन करें, मुझे तो समझ ही नहीं आई कब मैं चक्कर खा के गिर पड़ी। बस बस रहने दो, ये अदाकारी उसी के सामने करना। अब उठो और हाथ मुंह धो। मैं बानो से कहती हूँ कि तुम्हें दवा दे, नाश्ता करो और चलती फिरती नजर आओ मुझे, समझी? मलीहा, मलीहा, पता है क्या वक्त हो रहा है? उठो बिस्तर छोड़ो। मैं क्या करूंगी उठ के, मुझे नहीं उठना। क्या मतलब है क्या करूं? घर में 10 काम पड़े हैं। मुझे कोई काम वाम नहीं करने। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे अब्बा ने क्या कह रखा है? तो कई दिनों से मैं हसीना से काम ले रही, आज वो भी छुट्टी पर चली गई। चलो उठो, उठो आकर मेरा हाथ बटाओ। मुसीबत है, पूरी जिंदगी ना इस घर में काम करके गुजर जाए। तौबा तौबा तौबा, बड़ी चलाक है, बड़ी चलाक है, बड़ी चलाक है ये सबीन। कल से बीमारी का बहाना करके कमरे में पड़ी हुई है। तो आप उसे हाथ से घसीट के बाहर कर देती? कैसे घसीट लेती? उसने अमीना बी को और खयाम को अपना हिमायती जो बना लिया है। क्या खयाम भाई को अपना हिमायती बना लिया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? कल तक तो खयाम भाई उसे मुंह भी नहीं लगाते थे, आज हिमायती कैसे बन गए? अरे कल बेहोश होके उसके सामने गिर पड़ी, बड़ी ड्रामेबाज है ये। रियली? बेहोश होके गिर गई? शक्ल से तो ये इतनी मासूम लगती, इतनी चलाक है। मीसनी है, मीसनी। अब खयाम मेरे पीछे पड़ा हुआ है कि उसको अस्पताल लेके जाएं, उसका इलाज करवाएं। क्या आप लेके जाएंगी? मैं क्यों लेके जाऊंगी? बानो को कहूंगी उसे कोई दवा दे दे। अच्छा तुम जाओ, जाकर मेरा जरा नेबुलाइजर लेकर आओ, कल से मुझे सांस में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। मामा मेरे से नहीं होते काम वाम, आप सबीन को बोले ना काम के लिए। और वैसे भी मैं अपनी दोस्त हमशा के साथ शॉपिंग पे जा रही हूँ। okay? बड़ी ही काम चोर हो तुम। तुमने पहले कभी कोई काम किया मेरे? अब जा रही हो ना शॉपिंग पे, एक पैसा नहीं दूंगी तुम्हें। मत दीजिए, पैसे भी मुझे भाई देकर गया। ओके मॉम, बाय। देर हो गया मुझे पहले। जल्दी आना। सब चीजें फैला के चली गई यहाँ पे। मलीहा, जल्दी काम खत्म करो, एक घंटे से सिर्फ डस्टिंग किए जा रही। कर तो रही हूँ ना अम्मा। मुझ पर एहसान नहीं कर रही हो, मैं अभी सारा दिन यही काम करती रहती हूँ। हाँ तो अब आप मुझसे मुकाबला करेंगी? माओ का काम होता है करना। बकवास बंद करो, बहुत बदतमीज हो गई हो तुम। ज़बान देखो कैंची की तरह चलती रहती है। जल्दी करो, तुम्हें आटा भी गूंदना है। आटा? मैंने गूंद रही कोई आटा वाटा? मुझे नहीं आता। तुम्हें सिर्फ आटा नहीं गूंदना बल्कि रात की रोटियां भी बनानी है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हसीना आज नहीं आई। क्या, अब मैं रोटियां भी पकाऊंगी? आप जानती है ना मुझे नहीं आता आटा गूंदना और रोटियां पकाना। नहीं गूंदना आता ना तो बहुत जल्द सीख जाओगी, अच्छी बात है। कब तक मैं तुम लोगों को रोटियां बना बना कर खिलाती रहूंगी? चलो जल्दी करो सफाई। मैं नहीं कर रही। अच्छा जाओ। देखो कौन
ये तो खुरम का फोन है। हाँ तो मुझे दो, उसने मुझे फोन किया होगा तो मैं नहीं बात करना चाह रहा, मुझे दो। हेलो। हाँ बेटा कैसे हो तुम? तुमने तो फोन ही नहीं किया, मैं कितना परेशान हो रही थी। थोड़ा परेशान था मैं, आपको तो पता है यहाँ क्या मसाइल हैं। हाँ बस अल्लाह तुम्हारी परेशानियाँ दूर करे। तुम जाओ, यहाँ क्यों खड़ी हो अभी तक, जाओ। हाँ बेटा आपका सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। ये कौन था, आप इसको डांट रही थी? सबीन थी बेटा, मैं डांट थोड़ी रही थी। मम्मी जरा हल्का हाथ रखें, उस पर इतना दबाव मत डालें। अभी तो मैं भी वहाँ पे नहीं हूँ कि बात संभाल लूँ। तुम फिक्र ही ना करो, मैं सब समझती हूँ। पता नहीं मेरी बच्ची का क्या होगा, दूसरी बार हुआ है उसके साथ ऐसा। इतनी मतलब तुम्हें समझाया था कि जल्दबाजी नहीं करो, लेकिन तुम किसी की सुनती कहाँ हो? अब तो मेहमानों की लिस्ट भी तुम तैयार कर ली। हाला माँ, अगर लड़का सही होता तो इससे ज्यादा जल्दी करनी पड़ती। अरे तो उस वक्त जल्दी कर लेती, कम से कम बच्ची का दिल तो ना टूटता। तुम्हारी तैयारियां देख के वो भी ख्वाब बुनने लगती है। उसे रहने दे, उसके अंदर तो अभी तक बचपना है, जितना शोर मचाती है ना उतनी जल्दी भूल भी जाती। अरे उसको तो छोड़ो, तुम्हारा बचपना भी अभी तक नहीं गया, किसी मामले को तुम संजीदगी से नहीं लेती हो। चलो दिमाग ही नहीं मिलता इनके तो। मिस कॉल, ये तो बाहर का नंबर है, यकीनन फुरम नहीं की होगी। मेरे पास तो क्रेडिट भी नहीं है, अब क्या करूं? हेलो खुरम। हाँ सबीन, कहाँ थी तुम? इतनी देर से फोन ट्राई कर रहा था, उठा ही नहीं रही हो। वो मैं किचन में थी, लेकिन खुरम आप कहाँ थे? इतने दिनों से आपने फोन ही नहीं किया, मेरे पास भी आपका नंबर नहीं था। तुम जानती तो हो कितनी परेशानी में यहाँ से निकला था, और फिर वहाँ पहुँच कर मेरा फोन मिस हो गया। अब अपार्टमेंट लेना ज़्यादा ज़रूरी था तो फोन ना ले सका। चले शुक्र है, अब तो आपके सारे मसले हल हो गए हैं ना? हाँ हाँ अब तो सब ठीक है। खुरम आप मुझे अपने पास बुला लेना जल्दी, मेरा आपके बगैर दिल नहीं लग रहा यहाँ। हाँ मैं भी एक पल नहीं गुजार पा रहा हूँ तुम्हारे बगैर, मगर क्या करें, मजबूरी है। और वैसे भी तुम तो वहाँ पे सारे घर वालों के साथ हो, मैं तो यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। पता सारी रात तुम्हारी याद आती रहती, मैं ठीक से सो भी नहीं पाता।